हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें मेनली हम सब जानेंगे बैंक लेन देन से संबंधित जनरल एंट्री। जनरल एंट्री को बोलते हैं रोजनामचा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए बैंक से संबंधित जनरल एंट्री क्या क्या बनेंगे, बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जब बैंक में खाता खोलने के लिए रुपया जमा किया जाए, आप जाते हैं बैंक में रुपया जमा करने के लिए, ठीक है, पहली बार गए, तो डेबिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट को। बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट भैया है पर्सनल अकाउंट। कैसा अकाउंट है, किसी पर्सनल व्यक्ति का खुलेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल आई थिंक आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि मैं आप सबको करवा दिया हूँ। डेबिट द रिसीवर, जब आप बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं तो कैश दे रहे हैं तो रिसीव कर रहा है बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है। और क्रेडिट कैश अकाउंट होगा। कैश कैसा अकाउंट है भैया, तो कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है कैश आपका जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। रियल अकाउंट का क्या रूल था याद कीजिए, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यहाँ पे कैश जा रहा है, इस वजह से क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया, क्रेडिट कैश अकाउंट हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं हम सब। दूसरा नंबर, बाद में जब भी खाते में रुपया जमा किए जाएं, तो रुपया आप जमा कर रहे हैं तो रुपया कहां जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर के रूल के अनुसार बैंक अकाउंट में आपका डेबिट होगा। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। कैश कैसा अकाउंट है, यह रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है जाने वाले वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करे, यानी क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, इसलिए कैश को यहां पर क्रेडिट किया गया है और बैंक को डेबिट किया गया है क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा, बैंक से चेक द्वारा रुपया निकालने पर या कार्यालय उपयोग के लिए रुपया निकालने पर, तो जैसे ही आप कैश निकाले तो कैश आपके पास आया, और कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि आने वाले वस्तु या संपत्ति को डेबिट करें, इसलिए कैश अकाउंट को हम सब क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। और बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये जो मैं बोलता हूँ बार बार, इससे आप सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो देने जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है, तो बैंक आपको रुपया दे रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया गया है, आप रुपया पा रहे हैं इसलिए उसको डेबिट किया गया है, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी आने वाले वस्तु या संपत्ति को डेबिट करें, इसलिए कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है। याद रखेंगे ये सारा, जनरल एंट्री बार बार कॉपी में लिखकर बनाएं आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जब चेक द्वारा किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी व्यक्ति को हम सब भुगतान कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर यानी क्रेडिटर्स और पेइज अकाउंट, जो भी उस व्यक्ति का नाम होगा, यहाँ तो नाम दिया नहीं है, तो पेइज अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक दे रहा है उसको। चेक द्वारा भुगतान आप घर से तो करा नहीं पाएंगे, वो तो बैंक ही जाना पड़ेगा, और बैंक आपको दे रहा है तो बैंक भी कैसा अकाउंट है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द गिवर, ठीक है, देने वाला मतलब जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे और जो पा रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो पेइज अकाउंट, जो भी व्यक्ति का नाम रहता तो वो नाम हो जाता है, यहाँ पे नाम नहीं है, तो इसलिए पेइज अकाउंट हो गया और बैंक अकाउंट हो गया क्योंकि बैंक यहाँ पे दे रहा है। याद रखेंगे ऐसा सब एंट्री बार बार पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी व्यय का भुगतान चेक से किया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले व्यय यानी एक्सपेंसेस का हम सब भुगतान चेक से कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसेस कैसा अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस है भैया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या करता है, याद कीजिए रूल, मैं बोला था रूल याद करके रखेंगे आप सब, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी लॉस और एक्सपेंसेस है उसको हम सबको डेबिट करना है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी फायदा वाला चीज को हम सबको क्रेडिट करना है, लेकिन यहाँ पे तो हम सब व्यय का भुगतान कर रहे हैं इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया डेबिट। और भुगतान कहाँ से कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे चेक द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो चेक तो भैया बैंक में ही भुनाया जाएगा, तो बैंक अकाउंट, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो गया। बैंक कैसा अकाउंट है, बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, ठीक है, जो दे रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट। और एक्सपेंसेस है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है जो भी खर्चा है उसको हम सबको डेबिट करना है, इसलिए डेबिट यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट हुआ है, क्रेडिट यहाँ पे बैंक अकाउंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, जब निजी प्रयोग या खर्च हेतु चेक द्वारा रुपया निकाला जाता है, तो सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट है आपका आहरण खाता, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता है, ठीक है। और व्यक्तिगत खाता है तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे लागू होगा, बैंक अकाउंट भी कैसा खाता है, ये भी पर्सनल
अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का पहले रूल याद करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ड्रॉइंग अकाउंट के तहत आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, रुपया निकाल रहे हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट को यहाँ पे क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। और रुपया दे कौन रहा है भैया, तो दे रहा है बैंक अकाउंट, क्योंकि आप चेक द्वारा वहां पे रुपया निकालने के लिए गए हैं, तो इसलिए बैंक दे रहा है। तो क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट हो गया ड्रॉइंग अकाउंट, यानी आहरण अकाउंट हो गया डेबिट और बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। ठीक है, चलिए 7 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन होगा, ग्राहक या देनदार से प्राप्त चेक ड्राफ्ट इत्यादि के लिए। पहला नंबर, यदि चेक ड्राफ्ट मिलने पर उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाए तो बैंक को हम सब डेबिट किए, क्योंकि बैंक ऐसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पे रिसीव कर रहा है बैंक, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किए। और दे कौन रहा है, तो जो भी देनदार दे रहा है उसको हम सबको क्रेडिट करना है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होगा, देनदार कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ये तो पर्सनल अकाउंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिटर्स को क्या किया गया है, डेबिटर्स को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और बैंक हो जाएगा डेबिट। चलिए इसी में बी नंबर देखते हैं, सातवें में ही, यदि चेक ड्राफ्ट उस दिन बैंक में जमा ना किया जाए तब क्या एंट्री बनेगा, तब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट जो भी था डेबिटर्स या कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इस दिन जमा नहीं किया गया है तब बनेगा कैश अकाउंट या टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। याद रखेंगे आप सब, इन सब जनरल एंट्री को याद करके बार बार कॉपी में बनाए। ठीक है, चलिए 7 नंबर कसी, जब दूसरे दिन या कुछ दिनों के बाद उपयुक्त चेक या ड्राफ्ट को बैंक में जमा किया जाए तो बैंक यहाँ पे पाने वाला हुआ, तो डेबिट द रिसीवर हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हो गया, पाने वाला, और चेक के रूप में आपको कैश जाएगा, तो क्रेडिट क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, तो डेबिट हो गया बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट। याद रखेंगे, जब दूसरे दिन या कुछ दिनों के बाद चेक या ड्राफ्ट को बैंक में जमा किया जाता है उसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को रिसीव किया गया है। ठीक है, मतलब बैंक रिसीव कर रहा है, और किस रूप में रिसीव कर रहा है, तो चेक या ड्राफ्ट के रूप में रिसीव कर रहा है, मेनली वो तो पैसा ही है। ठीक है, तो पैसा आपका जा रहा है, ठीक है, बैंक में पैसा आपका जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या किए हम सब, क्रेडिट किए हैं, क्योंकि कैश है आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसका डी नंबर हम सब देखते हैं, जब उपयुक्त चेक को उसी दिन बैंक नहीं भेजा जाए बल्कि दूसरे दिन या कुछ दिनों के बाद किसी दूसरी पार्टी को बेचान इंडोर्स कर दिया जाए, तो यहाँ पे प्राप्त कौन कर रहा है, तो इंडोर्सी अकाउंट हो जाएगा। इंडोर्सी वो होता है जिसका नाम चेक के पीछे लिखा जाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिखा जाता है, ठीक है, ताकि वो पैसा प्राप्त कर सके, तो इंडोर्सी अकाउंट हो जाएगा। और कैश जाएगा तो कैश अकाउंट हो गया, तो कैश कैसा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जा रहा है, जाने वाले को हम सबको क्रेडिट करना है। और इंडोर्सी अकाउंट मेनली ये पर्सनल अकाउंट ही है, ठीक है, क्योंकि कोई प्राप्त करेगा व्यक्ति ही, तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। यहाँ पे रूल हो जाएगा डेबिट द रिसीवर वाला, पर्सनल अकाउंट वाला, और क्रेडिट में हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट होगा क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, चलिए ये 4 हुआ साथ में, चलिए अब 8 नंबर हम सब देखते हैं। चलिए 8 नंबर हम सब देखते हैं, यहाँ पे अगर किसी से मिला हुआ चेक उसी दिन रोकड़ में लिखे बिना किसी दूसरे को बेचान कर दिया जाए, ठीक है, तो जिसका चेक के पीछे सिग्नेचर होगा वही जाके रिसीव करेगा, तो इंडोर्सी अकाउंट हो गया यहाँ पे डेबिट, क्योंकि डेबिट हो जाएगा। इंडोर्सी अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो ये है आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, तो इंडोर्सी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे रिसीव कर रहा है। और दे कौन रहा है, तो कोई देनदार दे रहा है, तो डेबिटर्स या कस्टमर अकाउंट हो गया क्रेडिट। समझने का प्रयास करेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स खोल के रखता हूँ, ठीक है, आप सब आराम से जाकर के कमेंट कीजिए, पूछिए, जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार रिप्लाई कर दिया करूंगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी ग्राहक या व्यापारी से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त हो और उसे छूट दी गई हो तथा चेक बैंक में भेज दिया गया हो, तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है कि ग्राहक या व्यापारी से आपको चेक द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ है, तो भुगतान प्राप्त हुआ है यानी आपके पर्सनल अकाउंट में पैसा आया होगा चेक द्वारा बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे हो जाएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे बैंक रिसीव कर रहा है, तो डेबिट हो गया बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है, और उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट अकाउंट हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा डेबिटर्स, यानी कोई आपको देनदार ये चेक दे रहा है, तो डेबिटर्स या कस्टमर अकाउंट। याद रखेंगे, यहाँ पे बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को यहाँ पे डेबिट किया गया है, उसी के एवज में आपको डिस्काउंट दिया गया। और इसके अलावा आप क्रेडिट क्या करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे आपका डेबिटर्स यानी कोई देनदार या कस्टमर के अकाउंट से आपको पैसा जा रहा है, वो देने वाला है, तो वो गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए,
ग्राहक द्वारा दिया गया उपयुक्त चेक अनादृत या अप्रतिष्ठित यानी डिसऑनर हो जाए तब क्या एंट्री बनेगा, तो डेबिटर्स या कस्टमर अकाउंट, ठीक है, वापस आपका वो चेक जो है घुराया है नहीं, डिसऑनर हो गया, तो वापस आप कर देंगे उस डेबिटर्स को जो आपको दिया है, तो वो रिसीव कर लेगा। कौन लौटाएगा उसको, तो बैंक अकाउंट लौटाएगा विद डिस्काउंट लौटाएगा, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट अकाउंट हो गया क्रेडिट। चूंकि आपका ये चेक कैश के रूप में तब्दील नहीं हुआ तो डेबिटर्स को वापस करेंगे कि नहीं करेंगे आप, ठीक है, तो उस चेक को बैंक वापस कर देगा डेबिटर्स को जो दे रहा था, ठीक है, तो इस वजह से डेबिटर्स यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो डेबिटर्स कस्टमर अकाउंट हो गया डेबिट और क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं हम सब। चलिए 11 नंबर, जब ग्राहक या देनदार सीधे व्यापारी के बैंक खाते में रुपया जमा करा दे तो व्यापारी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा चला गया, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है यानी बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल याद कीजिए डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीव कर लिया तो डेबिट कर दिए इसलिए बैंक अकाउंट को। दूसरी बात, कौन दे रहा है, तो देने वाला एक पर्सनल व्यक्ति है, कोई देनदार ही होगा और ये क्रेडिट करेंगे क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए डेबिटर्स अकाउंट या कस्टमर पर्सनल अकाउंट को हम सब क्रेडिट किए हैं और डेबिट किए हैं बैंक अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पे दो बार अकाउंट आ गया है तो एक ठो अकाउंट को आप सब काट देंगे। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। चलिए 12वां प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब बैंक खर्चे जैसे बैंक चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, बैंक कमीशन, कलेक्शन चार्जेस आदि कटता है तब ये सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करना है, इसलिए इन चारों चीजों को डेबिट किया गया है, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट, इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट, बैंक कमीशन अकाउंट और कलेक्शन चार्जेस, ये सारा एक्सपेंसेस है इसलिए इसको क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने भी आपका व्यय और हानि है उसको आप सबको डेबिट करना है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। और क्रेडिट क्या किए हम सब, बैंक अकाउंट किए, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, वो दे रहा है, ठीक है, वहीं से तो कट रहा है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से तो कट रहा है, तो क्रेडिट द गिवर हो गया, बैंक अकाउंट आपका एक पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के तहत जो है क्रेडिट द गिवर होगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और वो सारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वहां पे एक्सपेंसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूल जरूर आप सब याद रखिए जो मैं सेट 4 में पढ़ाया हूं, तब ये वाला वीडियो आपको ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। 13वां प्रश्न, बैंक में जमा राशि पर ब्याज के लिए अथवा जब बैंक ग्राहक खाते को ब्याज से जमा करता है, बैंक जो है आपको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट है भैया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट कहता है जो भी आपका फायदा वाला चीज है, जो भी आपका फायदा वाला चीज है उसको क्रेडिट करना है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया है। और इंटरेस्ट कहाँ आएगा, बैंक आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, इंटरेस्ट कौन रिसीव करेगा, आपके बैंक के खाते वाले खाते में रिसीव होगा, इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है और क्रेडिट किया गया इंटरेस्ट अकाउंट को। इंटरेस्ट आपका फायदा है और इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, यानी जो भी आय और लाभ है उसको हम सबको क्रेडिट करना है, इसलिए इंटरेस्ट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। ये सब बस याद रखें, रूल के अनुसार मैं आपको बताते चल रहा हूँ शुरुआत से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बैंक अधिविकर्षक यानी बैंक ओवरड्राफ्ट और ब्याज के लिए, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये इंटरेस्ट आपका फायदा नहीं हुआ, ये आपका घटा हुआ, ठीक है, क्योंकि आप पहले पैसा लिए उस पर आप ब्याज चुका रहे हैं बैंक को, तो यहाँ पे डेबिट हो गया बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट और क्रेडिट क्या हो गया बैंक अकाउंट, क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट से ही इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो बैंक अकाउंट हो गया यहाँ पे क्रेडिट और बैंक इंटरेस्ट अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका फायदा नहीं रहा क्योंकि ये एक्सपेंसेस हो गया, आप बैंक से पहले पैसा लिए और उसके ऊपर क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसलिए बैंक इंटरेस्ट अकाउंट हो गया और डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट, क्योंकि आप अपने बैंक खाते से ही इंटरेस्ट का जो भी बिल है उसको पे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब बैंक से ऋण लिया जाए तब क्या एंट्री बनेगा, तो इसको डायरेक्ट याद रखें बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट, यानी डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को, क्योंकि आप ऋण लेकर के रोड पे तो घूरेंगे नहीं, ऋण तो आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा, तब ना आप कैश घुराएंगे, ठीक है। और दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है, बैंक लोन के रूप में दे रहा है, इसलिए बैंक लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, यानी आपके पर्सनल अकाउंट में पैसा गया ऋण के रूप में गया, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किए, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहा है, बैंक किस रूप में दे रहा है भैया, तो लोन के रूप में दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बैंक लोन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16वां, बैंक ऋण पर ब्याज के लिए, ठीक है, यहाँ पे दो चीज देखेंगे ए और बी में, बैंक ऋण पर ब्याज के लिए, बैंक लोन पर आप ब्याज के लिए, तो यदि बैंक ने ब्याज काटा हो तो बताइए ये आपके लिए फायदा हुआ एक्सपेंसेस हुआ, तो एक्सपेंसेस हुआ,
ठीक है, या इंटरेस्ट का मतलब हमेशा थोड़ी ना फायदा हो जाएगा। आप लोन लिए थे और उस पर आप ब्याज चुकता कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खर्चा ना हुआ भैया, तो खर्चा हुआ तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट, और किस रूप में आप मतलब चुका रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो गया आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस, क्योंकि आप लोन लिए और उस पर बैंक को ब्याज दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इंटरेस्ट को यहाँ पे डेबिट किया गया है, और क्रेडिट के किसको किया गया है, बैंक लोन अकाउंट को किया गया है, क्योंकि यहीं से आप दे रहे हैं इस रूप में, ठीक है। तो बैंक लोन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। चलिए बी नंबर देखते हैं हम सब, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि बैंक ऋण पर ब्याज रोकड़ में जमा किया जाए, मतलब आप बैंक लोन जो लिए हैं उस पर इंटरेस्ट आप कैश के रूप में जमा करना चाहेंगे बैंक में, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि ऋण पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो डेबिट हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट। और कैश के रूप में दे रहे हैं, कैश आपसे जा रहा है इंटरेस्ट के रूप में, और कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश आपका चला गया, इसलिए यहाँ पे कैश को हम सब क्रेडिट किए हैं और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को हम सब डेबिट किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। जब बैंक ऋण का भुगतान कर दिया जाए, ठीक है, नगद के द्वारा, आप नगद के द्वारा जो है बैंक लोन चुकता कर रहे हैं, तो डेबिट क्या हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, आपके जो बैंक द्वारा ऋण लिया गया था उसमें आप डेबिट कर रहे हैं, रिसीव क्या हो जाएगा, रिसीवर क्या हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। और कैश कैसा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। आप जब ऋण का भुगतान कर रहे हैं कैश के द्वारा, तो कैश आपसे जा रहा है, और जा रहा है यानी कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है जाने वाले को क्रेडिट करें, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। और बैंक लोन रिसीव कर रहा है आपका ऋण का, चुकता कर रहा है, इसलिए इसको हम सब डेबिट किए हैं। यहाँ पे बैंक लोन जो है डेबिट द रिसीवर के रूप में काम कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। चलिए 17 का बी नंबर हम सब देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि चालू खाते से बैंक ऋण का भुगतान किया जाए, आप बैंक लोन चुका रहे हैं अपने करंट अकाउंट से, ठीक है, मतलब आपका जो अकाउंट है बैंक में। अब यहाँ पे देखिए, बैंक लोन और बैंक अकाउंट ये दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो पाएगा कौन, पाएगा आपका बैंक लोन, क्यों पाएगा, तो ये डेबिट है, डेबिट द रिसीवर है, आप बैंक लोन चुका रहे हैं तो बैंक लोन ही तो पाएगा, बैंक लोन अकाउंट क्या यहाँ पे हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक लोन अकाउंट को हम सब डेबिट किए हैं, रिसीव कर रहा है, और दे कौन रहा है, आप अपने बैंक अकाउंट से चुकता कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। ये सारा जनरल एंट्री बार बार कॉपी में लिख के बनाए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए जल्दी जल्दी 3 से 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम सब। 18, बैंक ड्राफ्ट क्रय करने पर, ए नंबर, नगद जमा करके खरीदने पर अथवा लेनदार को बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने पर, इसमें डेबिट दो चीज होगा, पेई अकाउंट जिसको आप भुगतान कर रहे हैं, और बैंक कमीशन अकाउंट, और क्रेडिट किस रूप में कर रहे हैं, कैश आपसे जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट को हम सबको क्रेडिट करना पड़ रहा है। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक है, तो कैश यहाँ आपसे चले गया। चलिए 18 का बी नंबर हम सब देखते हैं। बी नंबर है आपका, चेक काटकर लेनदार के लिए ड्राफ्ट खरीदने पर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक काटा गया तो चेक तो बैंक में जाएगा, तो सेम ही बनेगा, डेबिट सेम ही होगा, पेई अकाउंट मतलब आप चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं, तो पेई अकाउंट दिया टू बैंक कमीशन अकाउंट, और यहाँ पे आप कैश के रूप में ना भुगतान करके बैंक अकाउंट से भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि चेक तो बैंक ही भुनवाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट यहाँ पे हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है, इसको याद रखें बार बार। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन, जब किसी देनदारी से बैंक ड्राफ्ट मिलता है तो फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया बैंक अकाउंट, क्योंकि आप प्राप्त कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, और दे कौन रहा है, डेबिटर्स दे रहा है, आपका देनदार दे रहा है, तो डेबिटर्स अकाउंट हो गया क्रेडिट, बहुत इजी था ये, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डेबिटर्स अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न, बैंक द्वारा लाभांश ब्याज संग्रहित करने पर, आपको बैंक जो है इंटरेस्ट या डिविडेंड दे रहा है, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट आपके लिए फायदा होगा, और डिविडेंड और इंटरेस्ट कैसा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, यानी जो भी आपका लाभ और आय हो उसको हम सबको क्रेडिट करना है, तो इसलिए क्रेडिट यहाँ पे किए डिविडेंड और इंटरेस्ट को। बैंक कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, आपके अकाउंट में ये इंटरेस्ट जा रहा है तो आप रिसीव कर रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट को किया गया है डेबिट। चलिए इस वाले सेट का आखिरी क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आखिरी है। सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट की मियाद पूरी होने पर, राशि प्राप्त होने पर, तो कैश और बैंक अकाउंट को हम सब यहाँ पे डेबिट करेंगे,
और क्रिएट करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट को हम सब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट हो गया। तो ये था बैंक लेन देन से संबंधित जनरल एंट्री। देखिए इसमें आज से हम सब जो बिहार बिजली विभाग का फॉर्म भर रहे हैं 19 जुलाई तक डेट है, वो भी इस वाले वीडियो को देखेंगे, और बिहार लेखपाल वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। दोनों का सिलेबस अकाउंटेंसी का सेम है, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, दोनों देखेंगे, यानी बिजली विभाग वाले भी विद्यार्थी देखेंगे और लेखपाल वाले भी विद्यार्थी देखेंगे, और आज से हम सब डेली दोनों के लिए वीडियो साथ में आएगा। ठीक है, और सेट एक से लेकर के सेट पांच तक बेसिक कुछ डाल दूंगा मैं अलग से बिहार बिजली विभाग के लिए। ठीक है, और वो आप सब लेखपाल वाले भी देख लेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। आज से हम सब बिहार लेखपाल भर्ती, बिहार एसएससी, बिहार बिजली विभाग और इसके अलावा रेलवे और दरोगा और आपका सिपाही भर्ती, इन सब के लिए करंट अफेयर्स करेंगे, वन लाइनर के रूप में करेंगे, और सबसे अति महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में आप सब जल्दी से जल्दी याद करके क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, जितना भी हेल्प हो सकता है मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा समय का अभाव रहता है, पर निकाल के टाइम निकाल के आप सबके लिए मैं जरूर जितना भी हो सके सपोर्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।